हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से आपका एक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट में गिरावट की। मार्केट में आपको जैसे कि आप देख रहे हैं लगातार एक बेहतरीन गिरावट होती ही नजर आ रही है, और यहाँ पर अगर हम देखें निफ्टी 50 लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ पॉइंट्स कुछ हर काफी दिनों से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, जब भी मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पर वीडियो बनाई तो मैं आपको सपोर्ट और रिवर्सल दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उन सपोर्ट और रिवर्सल को आपको यहाँ पर देखना होगा, ये वीडियोज को आपको जाके देखनी होगी तो पता चलेगी। बट इन दोनों वीडियो का मिक्सचर मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बहुत सारी कुछ हिस्ट्री बताऊंगा, और यहाँ पर बात करें आपके लिए गुड न्यूज है ओके, उससे इससे रिलेटेड भी बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में अब लाल रंग से हरे रंग की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। बट कब बढ़ता हुआ नजर आएगा, नोबडी नोज ओके। ना तो आप भगवान है, ना मैं भगवान हूँ, ना ही कोई और मार्केट का कोई दिग्गज है वो भगवान है। बट मार्केट में हरा रंग आ सकता है, आएगा तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंटली हमें वेट करना पड़ सकता है। शायद हम थोड़े से यहाँ पर कंसोलिडेशन मोड में हो, बट उसके बाद जब चीजें भागेगी तो अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो को बेचने की जरूरत नहीं है ओके, यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो को बिल्कुल खाली करने की जरूरत नहीं है, चीजें समझने की जरूरत है ओके। यहाँ पर जब चीजें आप समझेंगे तो अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, इसे जितना हो सके आप प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतनी ही बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए यहाँ पर डेली बेसिस पर बनाते हुए लेके आएंगे। और यहाँ पर हर एक वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, और हमसे कॉन्टैक्ट करना है, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है, कौन से स्टॉक को निकाल के कौन से बेहतरीन स्टॉक मार्केट में अभी चल रहे हो उसमें एंट्री लेना है, उससे रिलेटेड जानकारी लेनी है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं सबसे पहले तो यहाँ पर इन एक शख्स है ओके, जेफरीज के यहाँ पर क्रिस वुड नाम से यहाँ पर देखेंगे ओके, इनका इंटरव्यू भी आपको मिल जाएगा। इनके बारे में यहाँ पर देख रहा था, इनके इंटरव्यू मैं यहाँ पर सुन रहा था ओके। तो यहाँ पर TV18 के साथ इनका इंटरव्यू था ओके, उसमें इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कही है, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें सेंसेक्स यहाँ पर 2026 तक लगभग 1 लाख रुपए 1 लाख को टच कर जाएगा ओके। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड यहाँ पर बातें करी है, जैसे कि इन्होंने बातें करी है कि मार्केट क्यों गिरा था, मार्केट इसलिए गिरा था, इनका कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पर फेड के यहाँ पर रेट बढ़ाते हुए जा रहा था, कहीं ना कहीं वो कंसर्न होता हुआ दिखाई दे रहा था, और यहाँ पर इस वजह से और दूसरी यहाँ पर वैल्यूएशन अनाप शनाप हो गई थी चीजों की, तो इसलिए यहाँ पर फॉरन जो इन्वेस्टर है लगातार यहाँ पर पैसे निकाल रहे थे और ये इनसे ये भी पूछा गया था कि ये मार्केट में कब यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। और इन्होंने देखिए जितना ही पैसा निकाला उन्होंने यहाँ पर जो चाइना है, चाइना में जाके बहुत सारा यहाँ पर इन्होंने इन लोगों ने FIIs ने यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया। फिर इनसे और भी बहुत सारी क्वेरीज की गई कि ये मार्केट में कब यहाँ पर लौट के आएंगे, तो इन्होंने कहा कि जब यहाँ पर निफ्टी 1400 के आसपास आ जाएगा ओके, तो 14000 पे आ जाएगा जो कि यहाँ पर बनता है ये लेवल, अगर 14000 पे आ जाता है तो हम यहाँ पर तो तुरंत यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वैल्यूएशन जो है और सस्ते होते हुए दिखाई देंगे। बट इन्होंने एक चीज और कहा था कि यहाँ पर जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, पूरे इंडियन मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे निफ्टी 50 है, वो सारा का सारा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को यहाँ पर अब समझ में आ रहा है ओके। यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पर समझ रहे हैं कि पैसा यहाँ पर लॉन्ग टर्म में ही बनेगा, और यहाँ पर जो पहले 2008-2009 में होता हुआ दिखाई दिया था, पूरा ही मार्केट यहाँ पर क्रैश होता हुआ दिखाई दिया था, FIIs बेच देते थे और यहाँ पर मार्केट क्रैश हो जाता था, वो यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब पूरे पूरे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स है, DIIs है ओके, वो मार्केट को पूरे संभाले हुए हैं। तो ये एक यहाँ पर रीजन है, और ये एक इन्होंने कहा है कि शायद ये पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ पूरा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर ये इनके कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर चीजें जब ये आएंगे ना, तो शायद इन्हें ये सोच रहे हैं 14000 पे हम आ जाएंगे, 14000 पे हम आएंगे और यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, सब बड़े सस्ते भाव में हम इन्वेस्ट करेंगे, तो वो शायद यहाँ पर होता हुआ ना दिखाई दे। क्यों? क्योंकि FDII जिस तरीके से यहाँ पर माल को खरीद रहे हैं, जो हम यहाँ पर देख भी चुके हैं, मैंने बार बार अपने वीडियोज में बताया भी है, तो एक ये काबिले तारीफ वाली बात है, और यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर उनकी जो शेयर नीचे जा रही है, अगर वो लॉस में भी है तो कहीं ना कहीं वो
कुछ टाइम का उन्हें जरूर वेट करना पड़ेगा, और जब मार्केट में पैसा आएगा तो अच्छा खासे तरीके से ऊपर जाता हुआ ये मार्केट नजर आएगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि केवल एशिया में, एशिया की बात करें तो एशिया में सबसे बेहतरीन जो यहाँ पर मानी जाती है कंट्री इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नाउ दिस टाइम, तो केवल इंडिया, इंडिया और केवल इंडिया है। तो इसलिए आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत सारे सेगमेंट से रिलेटेड बातें करी कि ये किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि ऑटो हो गया, ओके, इन्होंने 2022 में अभी एनर्जी में इन्वेस्ट कर रखा है, ओके, एज वेल एज यहाँ पर अगर हम बात करें ये बैंकिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड कंपनीज में यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब ये लौटेंगे तो शायद इन्हीं चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे। और जब ये चीज़ें नीचे आ रही है, जैसे कि हमारे निफ्टी फाइनेंशियल्स के जितने भी स्टॉक्स हैं वो यहाँ पर नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, निफ्टी ऑटो के कुछ स्टॉक्स हैं वो नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर उन पर्टिकुलर स्टॉक्स की तरफ ध्यान देना है। ओके, तो ये सारी की सारी कथा थी जो मैं आपको बताना चाहता था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। हम इसके लेवल भी देखेंगे, ओके, वो तो 5 मिनट का काम है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट की। तो यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल है, बैंक ऑफ अमेरिका ने यहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर आर्टिकल निकाला था जिसमें अभी तक लगभग 140 साल में 19 बार ओके यहाँ पर बियर मार्केट आता हुआ दिखाई दिया है, और बियर मार्केट में कितना यहाँ पर गिरावट हुई है वो सारा का सारा फिगर मैं आपके सामने यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू आपको दिखाना चाहूंगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि आपको यहाँ पर क्या क्या कुछ यहाँ पर पता चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने एक एवरेज निकाला कि यहाँ पर अगर हम देखें कि एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कितना गिरता हुआ दिखाई देता है मार्केट, तो वो सब चीज से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पर बातें करी है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते थे। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि लॉन्ग इन द पेन कुड लास्ट, ओके, लुकिंग एट द हिस्ट्री 19 बियर मार्केट ओवर द पास्ट 140 ईयर्स एंड दे फाउंड द एवरेज प्राइस डिक्लाइन वॉज 37.3% एंड द एवरेज ड्यूरेशन अबाउट 289 डेज। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मत लीजिएगा कि एक पर्टिकुलर स्टॉक में 37% की यहाँ पर गिरावट हुई होगी, इसका मतलब है कि किसी स्टॉक में 80% की गिरावट हुई होगी, किसी में 40% की, किसी में 50% की, और ओवरऑल अगर हम उन सभी को कैलकुलेशन करेंगे, एक एवरेज निकालेंगे, तो 37% तक का यहाँ पर मार्केट में गिरावट हुई होगी, और लगभग ये जो लास्ट ड्यूरेशन है वो कितने दिन का रहा होगा, 289 डेज का। तो 289 डेज का यहाँ पर ये ड्यूरेशन रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ये गिरावट है वो भी यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, मैंने यहाँ पर पढ़ा था, एक मिनट दीजिए, देखिए, द गुड न्यूज इज दैट मनी ऑफ द स्टॉक हैव ऑलरेडी रीच दिस पॉइंट, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स है ऐसे पॉइंट पे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। 49% ऑफ द नैस्डेक कंस्टिट्यूशन, अगर बात करें 49% जो शेयर है नैस्डेक के, ओके, वो लेस देन 50% के, मतलब 52 वीक हाई से 50% गिर चुके हैं, और 58% जो स्टॉक्स है वो लगभग 37.3% यहाँ पर गिर चुके हैं, विद 77% ऑफ द इंडेक्स इन अ बियर मार्केट। अगर बात करें 77% जो इंडेक्स है वो बियर मार्केट में है, एंड मोर गुड न्यूज, बियर मार्केट आर क्यूकर बट बुल मार्केट सेज द स्टेटमेंट। तो अगर हम बात करें तो बुल बियर मार्केट जो हमारी अभी तक की हमने देखा है पूरी हिस्ट्री में, तो बियर मार्केट कुछ टाइम का हो सकता है, ओके, बट अगर बात करें बुल मार्केट की तो वो यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक रहता है। इस चीज को आपको यहाँ पर समझना होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल इंडियन मार्केट से FIIs यहाँ पर पैसा निकाल रहे हैं, ये अपनी खुद की मार्केट से भी यहाँ पर पैसा निकाल रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए $9.1 billion from the bonds and $14 billion from the cash, और यहाँ पर $3.4 billion coming out stocks। तो यहाँ पर ये अलग-अलग चीजों से यहाँ पर इतना पैसा यहाँ पर निकालते हुए नजर आ रहे हैं डेली। यहाँ पर बात करें the banks latest weekly data release on Friday showed another $3.4 billion, मतलब फ्राइडे को $3.4 billion इन्होंने अपने नैस्डैक और डो जोन्स से निकाले होंगे, इधर से इतने निकाले इधर से। तो यहाँ पर बेहतरीन पैसे ये हमेशा निकालते रहे हैं और अच्छे खासे पैसे यहाँ पर निकालते रहे, तो अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एक डेटा यहाँ पर भी दे रखा है कि कब इन्होंने मार्केट क्या रही है, मतलब कितने, जब यहाँ पर देखिए नई नई मार्केट थी तो 1927 में लगभग 86% मार्केट गिरी है, ओके। यहाँ पर अगर और कुछ देख रिकवर की बात करें तो लगभग 5 साल इसने लिए रिकवर होने के लिए, बट याद रखिए पुराना टाइम था, ओके, पुराने टाइम को आप नए टाइम के साथ यहाँ पर मिक्स मत करिएगा, वरना सोचे कि 5 साल तक बियर मार्केट रहेगी और रिकवर होने में इतना टाइम लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके, हाँ टाइम लग सकता है,
ओके बट कितना टाइम लगेगा वो नहीं बताया जा सकता। बट ये जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि ये लास्ट अक्टूबर तक, ओके अक्टूबर तक रह सकती है, तो इस सीट को भी अपने माइंड में रखिएगा। अक्टूबर के बाद शायद यहाँ पर सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी फेड टाइटनिंग एज वेल एज यहाँ पर जो इंडियन मार्केट जो आरबीआई है वो सब चीज जो रेट हाइक हो रहे हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर एक पीक तक पहुंच चुके होंगे। इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पर जब बात की जा रही है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया होगा, ये जो वॉर हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो 1942 में 60%, 2009 में यहाँ पर 56.8% मार्केट गिरी थी, और उसके बाद देखेंगे तो एक बेहतरीन रैली होती हुई नजर आई है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी है कि 12 साल में किस तरीके से यहाँ पर मार्केट 2 से 3 गुना होता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर देखिए 1920 में लगभग 51%, 2002 में 49% मार्केट गिरी है, ओके इस 74 में 48%। बट धीरे धीरे अगर बात कर रहे तो यहाँ पर जैसे जैसे यहाँ पर मार्केट 2000 में आई है तो उसके बाद कम होना शुरू हो गया, 33.9%। अभी की बात करें लगभग 17 और 30% के आसपास की यहाँ पर गिरावट है। ओके तो ये सारी चीजें और सारे के सारे फैक्ट यहाँ पर दे रखे हैं, तो इतना डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी इतने बहुत कुछ प्राइस इन हो चुका है, ओके बहुत ज्यादा यहाँ पर जिन्होंने निकालना था वो निकाल चुके हैं, और जो यहाँ पर लगातार डाले जा रहे हैं, जो हमारी मार्केट को यहाँ पर निफ्टी 50 को नहीं गिरने दे रहे हैं, ओके जो यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप को एक पॉइंट तक नहीं गिरने दे रहे हैं वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए लास्ट वीडियोस में मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि यहाँ पर जो हमारा मार्केट है ओके एक बेहतरीन सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मार्केट जब गिरेगा तो मार्केट गिरेगा एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, ओके और वो पर्टिकुलर पॉइंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ओके जहां पर मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए। याद रखिए मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक बेहतरीन सपोर्ट जो लॉन्ग टर्म का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो मार्केट लगातार यहाँ पर गिर रही है, इसमें एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर ये सपोर्ट यहाँ पर काम आता हुआ दिखाई देगा। कितना? 15,671, 15,671 को अगर ये यहाँ पर सपोर्ट दे देता है तो काफी बेहतरीन बात रहेगी, और इसके बाद ऊपर चलता है तो यहाँ पर एक अच्छी पॉजिटिविटी हमें यहाँ पर दिखाई दे सकती है। बट अगर यहाँ पर से गिरा तो क्या? तो यहाँ से गिरा तो फिर यहाँ पर कुछ लेवल है जैसे कि 15,560, ओके वो भी यहाँ पर फिर ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और इसके बाद अगर देखे तो सीधे यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है 15,300 तक, और भी अगर हम ज्यादा की गिरावट की बात करें तो और भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ से प्रे करिएगा कि यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट जो हमारे यहाँ पर हो चुकी है, लगभग 17% इंडेक्स गिर चुका है, और स्टॉक्स की बात करें तो वो अलग चीज है, कोई 30%, कोई 40%, कोई 50%, कोई 60%, कोई 70% इस तरीके से शेयर गिर चुके हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर निफ्टी 50 में इस तरीके की गिरावट, और कुछ चीजें और दिखाऊंगा तो अभी वीडियो में बिल्कुल मत जाइएगा। हम बात करते हैं और भी कुछ चीजों की, तो निफ्टी मिड कैप की बात कर लेते हैं। निफ्टी मिड कैप की बात करते हैं, निफ्टी मिड कैप 100 को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो निफ्टी मिड कैप 100 की हम देखते हैं। तो देखिए इसने नीचे एक यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए नीचे का लेवल था, ओके यहाँ पर इसने टच किया, एक सपोर्ट माना जाता है इसे भी, ओके इस सपोर्ट को यहाँ पर टच करके चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दी, और इसके ऊपर बंद होती हुई दिखाई दी, जो मैंने यहाँ पर बताया था कि मार्केट गिर जरूर रही है बट एक बेहतरीन सपोर्ट है। और यहाँ पर जो ये सपोर्ट नजर आता है, देखिए इससे पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया था, सेम सपोर्ट इसने यहाँ लिया है, और यहाँ पर कुछ करिश्मा हो जाता है और यहाँ पर चीजें ऊपर चली जाती है, तो वेल एंड गुड रहेगा क्योंकि ऑलरेडी मिड कैप में भी एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है। बट यहाँ पर गिरावट होती है तो क्या? अगर गिरावट होती है तो 25,891 का लेवल यहाँ पर फिर खुला हुआ है, 500 पॉइंट की फिर गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, ध्यान रहिएगा, कॉशियस रहिएगा। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट मुझे यहाँ पर अच्छा नजर आता है, मुझे लगता है कि यहाँ से चीजें ऊपर जानी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं निफ्टी स्मॉल कैप पे, तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 हम दिखाते हैं तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएगी कि यहाँ पर भी देखिए उसी सपोर्ट को यहाँ पर सपोर्ट तो नहीं कहूंगा, इसने तो पहले ही यहाँ पर ये सपोर्ट को तोड़ दिया था और ज्यादा भागा भी था तो ज्यादा गिरावट भी आई। बट यहाँ पर देखिए तो एक बेहतरीन सपोर्ट लेके यहाँ पर क्लोज हुआ है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास यहाँ पर ये क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जो यहाँ पर कल का इसका लो था वहीं पर आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर नहीं गिरता है तो वेल एंड गुड रहेगा, बट अगर मार्केट में गिरावट होती है और तो ये भी शेयर यहाँ पर लगभग
लगभग लगभग यहाँ पर बात करें 800-900 पॉइंट, 1000 पॉइंट के आसपास ये भी यहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, बट एक बेहतरीन सपोर्ट है। बट एक नेगेटिव न्यूज है, कल यहाँ पर मैंने यहाँ पर देख रहा था डोजोन्स, ओके डोजोन्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो डोजोन्स में यहाँ पर जो ये इसका सपोर्ट लेवल था जहाँ पर हमें दिखाई दे रहा था कि चीजें ऊपर जाएगी, ओके यहाँ पर ऊपर तो नहीं गई, बट यहाँ पर चीजें यहाँ पर आके ऊपर की नीचे इसका जो सपोर्ट था उस सपोर्ट को यहाँ पर तोड़ के नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर एक कैंडल भी बनाई है, यहाँ पर आप देखेंगे एक बियरिश कैंडल होती हुई दिखाई देती है, ओके ये बियरिश कैंडल बताती है कि और गिरावट हो सकती है। तो आज का जो मार्केट है उसे यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ओके वॉलेटाइल तो है ही है, बट यहाँ पर देखें मार्केट को आज थोड़ा सा देखिएगा। तो अगर मार्केट ठीक रहता है ओके तो इस केस में शायद यहाँ पर रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे सकता है, और मार्केट में कोशिश करिए कि यहाँ से सीधे यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बने, एक हैमर बनता हुआ दिखाई दे, जैसे ये हैमर बना है ओके, और दूसरे हैमर जो नीचे बनते हुए दिखाई दिए वो एक हैमर बने, ताकि ऊपर जाता हुआ यहाँ पर हमारा मार्केट दिखाई दे। तो डोजोन्स फ्यूचर भी एक बार देख लेते हैं कि डोजोन्स फ्यूचर्स यहाँ पर कहाँ बंद होते हुए दिखाई दिए। तो डोजोन्स फ्यूचर्स की बात करें तो इसने भी यहाँ पर नेगेटिव ही दिखाई दिया है, -0.58% का। तो ये देखिए अभी भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है और गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर नीचे से ये ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई दिया है। तो लेट्स सी मार्केट में क्या होता है, एक बार देखेंगे। इसने सपोर्ट को यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इस वजह से हम निफ्टी 50 में मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर कल के दिन में यहाँ पर इसे सपोर्ट करना चाहिए, अगर इसे सपोर्ट कर देता है निफ्टी तो यहाँ पर अच्छा खासी एक रैली बनती हुई बाद में दिखाई दे सकती है। तो ये सारे के सारे और कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन इतना ही है कि बेशक से इतनी ज्यादा गिरावट हुई है ओके, बट उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर भागा है तो याद निफ्ट जो हमारा 2020 का यहाँ पर दौरा था ओके, वो आपको यहाँ पर पता ही है कि किस तरीके से यहाँ पर निफ्टी 50 ने किस तरीके के रिटर्न दिए गिरावट के बाद। जो यहाँ पर रुका है मार्केट में उसे यहाँ पर रिवॉर्ड भी मिला है, उसी तरीके से बेशक से यहाँ पर पेन मिला है, बट जो इसके गिरावट के बाद जो रिवॉर्ड मिला है वो एक बेहतरीन रिवॉर्ड मिला है। तो इस चीज को भी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और मार्केट ये पहली बार नहीं है कि इतना गिरा है, इससे पहले भी यहाँ पर भी गिरा है 2008 में, इसके बाद यहाँ पर भी गिरा है 2010 में थोड़ा सा, 2000 यहाँ पर बात करें 15 में भी एक गिरावट हुई है, इस एरिया में भी गिरावट हुई है, 2018 में भी थोड़ी बहुत गिरावट हुई है, 20 में भी गिरावट हुई है, यहाँ पर बात करें 22 में यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आ रही है, और अगेन जब यहाँ पर मार्केट भागेगा तो एक अच्छी रैली होती हुई दिखाई देगी। तो इस चीज को समझ के काम करिएगा, घबराने की कि आपको लॉस हो रहा है, आपको डेली लॉस बढ़ रहा है। तो लॉस की बात करें तो लॉस यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला को भी हो रहा है ओके, उन्हीं के पोर्टफोलियो के कुछ स्टॉक्स की बात करूं तो यहाँ पर 60% तक गिर चुके हैं, उनका खुद का पोर्टफोलियो लगभग 30% तक यहाँ पर फॉल हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे राकेश एक महीने में लगभग इतने करोड़ रुपए का गवाए, लगभग 5300 करोड़ रुपए गिरवाए हैं, और यहाँ पर बात करें पोर्टफोलियो 30% यहाँ पर नीचे आ चुका है हाई से। तो ये चीजें सबके साथ हो रही है, आपके पर्टिकुलर के साथ नहीं हो रही, तो इसे समझिए और उसके अकॉर्डिंग बिहेव करिए। डेली मार्केट देखना अभी बंद कर दीजिए, जब ये रिवर्सल आएगा अगर पैसे हैं तो डाल दीजिए, नहीं है तो रिवर्सल आएगा तो सबके साथ रिवर्सल आएगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, जितना हो सके सपोर्ट करिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।